हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के घाट पे, और अभी जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये है मान मंदिर घाट। और आज हम आपको टूर कराएंगे घाटों का और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी। और बहुत दिनों के बाद आज थोड़ी अच्छी धूप निकली है बनारस में। वैसे तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है, तो इस मौसम का आनंद बहुत लोग उठा रहे हैं घाटों पे। तो आइए चलते हैं, हम भी आनंद उठाते हैं इस मौसम का। और ये देख सकते हैं, ये है मान मंदिर घाट का पूरा नज़ारा। और बात करें मौसम की, तो आज काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए और बाबा के दर्शन करने के लिए। ये सामने से आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं बड़ी सी, ये है म्यूज़ियम, और इसका मैंने आपको टूर कराया है ये। और ये देख पाएंगे, ये है रेस्टोरेंट, डॉल्फिन रेस्टोरेंट। और इन सीढ़ियों पे आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है कि समीपवर्ती गली में स्थित वाराही मंदिर के नाम पर इस घाट का नाम आधारित है। लिखा है डोम राजा का आवास इसी घाट पर स्थित है। तो जो सामने से आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जहाँ पे आपको शेर भी नज़र आ रहा होगा, ये वही घर है जहाँ पे डोम राजा का परिवार रहता है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, और आगे का जो भी नज़ारा है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं, और दूर से आप टेंट सिटी भी देख पा रहे होंगे आज। और अभी हम आ चुके हैं त्रिपुरा भैरवी घाट पे, और ये है त्रिपुरा भैरवी घाट का नज़ारा। और अभी आप देख पाएंगे हम आ चुके हैं मीर घाट पे। आप ये देख पाएंगे जो जट्टी बनाया गया था, फिलहाल में अभी भी वो जल में डूबा ही हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सफेरा लोग। ओम नमः शिवाय। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने ढेर सारे लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। और देखिए फिलहाल में आप ये देख पा रहे होंगे सारे लोग लाइफ जैकेट पहने हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ हादसे हो ही रहे थे, इस वजह से यहाँ पे पूरा निर्देश दे दिया गया है कि जो भी नाव में बैठेगा सबको लाइफ जैकेट पहनना ही है। तो ये कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं।
और अभी आप देख पाएंगे हम कॉरिडोर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और देखिए कुछ दुकानें यहाँ पे भी लग चुकी हैं जिसमें कि फूल माला और प्रसाद सब कुछ मिल रहा है। माला फूल चाहिए भैया ले लीजिए। ये देखिए सारी दुकानें यहाँ पे भी लगनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा कॉरिडोर का व्यू। बाढ़ के समय में ये पूरा भर चुका था लेकिन आज की स्थिति आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सफाई भी है। यहाँ पे आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे सारे लोग बोटिंग करके ही आ रहे हैं और ओवरलोडिंग की वजह से ही कुछ न कुछ हादसे हो ही जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था जिसमें एक लेडी का हाथ कट गया था, वो मतलब बाहर शायद हाथ निकाल के बैठी होंगी और दूसरी नाव आई तो उसकी वजह से ये हादसा हो गया। जैसे कुछ ना कुछ हादसे होते ही रहते हैं। ये देख सकते हैं इतनी छोटी सी नाव है लेकिन कितने ढेर सारे लोग उसमें बैठे हैं। तो जब भी आप नाव में बैठे हैं तो अगर आपको लगे कि ओवरलोडिंग हो रहा है या फिर कुछ भी आपको गलत लग रहा हो तो आप तुरंत उतर जाइए, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो कई बार आप बोटिंग कर सकते हैं, नहीं रहेगी तो क्या ही फ़ायदा। देख सकते हैं आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। किधर गए हो? ले गए पानी भरने का जल का है। तो ये जितने भी श्रद्धालु लोग हैं सारे लोग बाहर के हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ का ये नज़ारा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियों की सफाई का काम भी चल रहा है। और ये सामने से आप मारकंडिका घाट का पूरा दृश्य देख पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 100 बहुत ढेर सारे जल भी रहे हैं। ये सब देख सकते हैं आप। तो चलते हैं यहाँ से। तो अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर। वैसे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें हालत ख़राब हो जाती है। मिलते हैं अभी 2 मिनट के बाद। तो ये देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं कॉरिडोर के अंदर और यहाँ पे 2 सब्सक्राइबर मिल चुके थे
तो अभी उनसे बात करके आ रहे हैं। वैसे हम सोशल मीडिया पे भले ही हों लेकिन हम इतने सोशल भी नहीं हैं कि सबसे बातें करते चले, क्योंकि ऐसा लगता है कि वीडियो शूट करने आए तो सबसे पहले वीडियो शूट करो, काम करो, उसके बाद चलते बनो। और बातें करने का मज़ा और मिलने का मज़ा तभी आता है जब आप खुद ही सक्सेसफुल हो, और यहाँ तो चैनल की हालत देख ही रहे हैं, तो क्या ही कोई इंसान किसी से बातें करे। और इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एकदम हालत एकदम ख़राब हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ एक श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देख सकते हैं काफी लंबी लाइन लगी हुई है। और देख पाएंगे इधर भी काफ़ी भीड़ है श्रद्धालुओं की। और आज आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए बाबा भोलेनाथ के। और कहा जाता है जितना मंदिर का मान्यता है उतना शिखर का भी मान्यता है, तो आप बाहर से दर्शन कर लीजिए। यहाँ से शिखर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। जाने का है उधर। कहाँ से किस जगह से? महाराष्ट्र से सारे लोग। अच्छा कितने लोग होंगे? 100 नहीं, कितने लोग होंगे? 100 लोग। तो ये देख सकते हैं ये महाराष्ट्र के लोग हैं और पूरे यहाँ पे 100 लोग हैं, और इनके वजह से इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। देख पाएंगे, मुझे लग भी रहा था इनका जो कैप है उसे आप पहचान सकते हैं कि महाराष्ट्र औरंगाबाद से ये हैं लोग हैं। देखिए देख पाएंगे काफ़ी लंबी लाइन है। वैसे बात करें धूप की तो धूप नहीं होता है तो ठंडी लगती है, अगर धूप हो जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी। और जब वीडियो आप शूट करने चलते हैं तो वो तो और भी उस टाइम बहुत ही गर्मी लगता है। तो चलिए कुछ नज़ारे हम आपको इधर के भी दिखाते हैं। जब आप इस तरफ आएंगे तो इधर भी आप छोटे छोटे मंदिर देख पाएंगे, ये देख सकते हैं। कुछ आप प्राचीन मंदिरों को देख पाएंगे यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे भी पूजा हुआ है। और उस तरफ भी एक प्राचीन मंदिर है जो देख सकते हैं। और वैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सालगिरह भी मना दिया गया है, लेकिन बात करें बहुत सी ऐसी जो मंदिरें हैं जिन पे अभी कोई काम नहीं हुआ है, और बहुत से ऐसे मंदिरें हैं जहाँ पे अभी भी पूजा पाठ नहीं होता है, और वो सारी मंदिरें ऐसी ही पड़ी हैं। और ये एक मंदिर है जो कि जमीन स्तर से कुछ नीचे हैं, आप देख पाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे टॉयलेट आप देख सकते हैं। और ये है श्री अमृतेश्वर महादेव जी का मंदिर। और सामने से ये भी देख पा रहे होंगे, ये भी प्राचीन मंदिर है महादेव जी का।
और उधर जेंट्स टॉयलेट था और इधर लेडीज टॉयलेट है, देख सकते हैं। और ये सामने से आप देख पाएंगे, ये है वैद्यनाथ भवन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है लेडीज टॉयलेट, लेकिन ऐसे लिखा है इस वजह से यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और ये रास्ता देख सकते हैं, अगर ये आप इस रास्ते से सीधे जाते हैं तो ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ निकलेंगे। और इधर का तो आपने टूर किया ही है बहुत पहले, ये देख सकते हैं यहाँ पे रामेश्वर भवन और सोमनाथ भवन, अमृत भवन, सारे भवन हैं इस तरफ। और आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। महादेव।